से गांव। 100 से ज्यादा मजदूरों को बसों से उनके घर भेजा, सोशल डिस्टेंस का नहीं रखा ध्यान, एक सीट पर दो मजदूरों को बिठाया गया। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के मजदूर जो खरगोन जिले में प्रवेश करने के बाद से गांव में रोका गया था, उन्हें आज बसों के माध्यम से अपने अपने प्रदेशों में भेज दिया गया। मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार जिला कलेक्टर द्वारा आरटीओ के माध्यम से बस से अधिकृत कर मजदूरों को उनके खाने पीने की व्यवस्था कर भेजा, लेकिन इस दौरान बड़ी लापरवाही देखने को मिली और जिस बस में मजदूरों को बिठा रखा था उसमें सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। बड़वाह, नावघाट खेड़ी पंचायत स्थित उचित मूल्य की दुकान पर दुकान संचालक द्वारा शासकीय कर्मचारी को बिना पर्ची के 200 रुपए लेकर 50 किलो चावल दिए जाने के मामले में की गई जांच के बाद वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उक्त दुकान को बंद कर उसके संचालक बादाम चौहान को निलंबित कर दिया गया है। संकट की घड़ी में राशन दुकान संचालकों द्वारा गरीबों को सही राशन का वितरण किया जाए, इसकी मॉनिटरिंग की भी बहुत सख्त जरूरत है ताकि ऐसे और मामले सामने न आए। अंजड़, करीब एक माह बाद फिर शुरू हुई कृषि उपज मंडी, 11 बजे नीलामी का काम शुरू हुआ जिसमें क्षेत्र के व्यापारियों ने हिस्सा लिया, जहां एक और मंडी शुरू होने से चहलकदमी देखने को मिली। वहीं लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखा गया, व्यापारियों के लिए 1 मीटर दूरी पर गोले बनाए गए थे जिसके अंदर खड़े होकर वह बोली लगा सके। मंडी का फिर शुरू होना क्षेत्र के व्यापारियों और किसानों के लिए बड़ी राहत की बात है। मंडी में आज किसान गेहूं, मक्का, डालर, चना लेकर पहुंचे, आने वाले समय में मंडी में आवक बढ़ने की अधिकारियों को उम्मीद है। सेंधवा, कोरोना के चलते लॉकडाउन में प्रशासनिक अधिकारी रात दिन काम में लगे हैं जिससे उन्हें भी संक्रमण का खतरा रहता है। इसी बात के मद्देनजर आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय में पदस्थ सभी अधिकारी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की गई। इस मौके पर सेंधवा एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगरपालिका सीएमओ सहित सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टरों द्वारा इन लोगों को संक्रमण से बचने हेतु आवश्यक सुझाव भी दिए गए। अंजड़, जिनिंग फैक्ट्री में कपास के ढेर में लगी आग, लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान। बीएम जिनिंग उद्योग में अज्ञात कारणों से कपास के ढेर में आग लग गई, देखते देखते 6 से 7 कपास के ढेर आग की चपेट में आ गए। नगर पंचायत के अग्निशामक और पानी के टैंकरों द्वारा काफी मशक्कत के बाद समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और आग को ज्यादा फैलने नहीं दिया, वरना और भी बड़ा नुकसान हो सकता था। जिनिंग मालिक सावन पाटीदार के अनुसार नुकसान का भी पूरा आकलन तो नहीं हुआ, लेकिन आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बड़वाह, 800 फंसे हुए मजदूरों को बसों के माध्यम से भेजा अपने घर, सोशल डिस्टेंस पर खड़ा हो रहे सवाल। बड़वाह सनावत ब्लॉक की पंचायतों में ठहरे मजदूर बनने लोगों को सुरक्षित उनके घर भेजने के लिए जिला प्रशासन के आदेश के बाद लोगों को करीब 38 बसों के माध्यम से अलग अलग शहरों में उनके निवास स्थान पर भेजा जा रहा है। हालांकि यह लोग जहां ठहरे थे वहां वीडियो में आप साफ देख सकते हैं किस तरह सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है, और सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि 38 बसों में आखिर 800 लोग जाएंगे तो सोशल डिस्टेंस का क्या होगा। तलवाड़ा डेब, शादी की सालगिरह पर पेश की मिसाल, पूरे गांव में किया सैनिटाइजर का छिड़काव। नगर के हरीश पटेल की शादी की 12वीं सालगिरह के मौके पर उन्होंने कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए पूरे गांव में खुद अपने साथी और परिजनों के साथ 2 दिन तक गली गली ट्रैक्टर से घूमकर 4000 लीटर सैनिटाइजर का छिड़काव किया। पटेल का कहना है, इस महामारी के मौके पर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम गांव के लोगों और प्रशासन का सहयोग करें। नगरवासियों द्वारा भी हरीश के काम की काफी प्रशंसा की जा रही है।